हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम लेसन 3 डैडी फेल इनटू द पॉन्ड पोयम है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों इसका मतलब क्या है कि पिताजी तालाब में गिर गए। तो अब हम इस पोयम को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे है एवरीवन ग्रम्बल्ड, द स्काई वाज ग्रे। ग्रम्बल्ड मतलब होता है कुड़कुड़ाना, तो हर कोई कुड़कुड़ा रहा था, बड़बड़ा रहा था। स्काई वाज ग्रे, ग्रे मतलब होता है जब बहुत सारे बादल होते हैं आसमान में, मौसम साफ नहीं होता है, इस तरह का मौसम था। वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से, हमारे पास कहने के लिए और करने के लिए कुछ भी नहीं था। वी वर नियरिंग द एंड ऑफ ए डिसमल डे, डिसमल डे मतलब निराशाजनक जो दिन था, निराशाजनक दिन हमारे एकदम करीब था, निराशा वाला जो दिन था वो ख़त्म होने वाला था, मतलब शाम हो चुकी थी। एंड देन देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड, और हमें आगे का ऐसा लग रहा था कि आगे अब कुछ भी नहीं है। और तभी क्या हुआ, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, उसके जो पिताजी थे पोएट के वो तालाब में गिर गए। एंड एवरीवन्स फेस ग्रू मैरी एंड ब्राइट, फिर क्या हुआ, पिताजी और सभी का चेहरा बहुत ज़्यादा खुशी से और चमकने लगा, खुशी से तो उज्जवल हो गया सभी का चेहरा। मेरी मतलब खुश, ब्राइट मतलब चमकीला, एकदम ब्राइट, एकदम क्लियर, एकदम चमकने लगा। तो सब लोग एकदम खुशी से एकदम चमकने लगे। एंड टिम्पोथी डांस्ड फॉर शीयर डिलाइट, और जो टिम्पोथी था उसने खुशी के मारे नाच करने लगा, वो डांस करने लगा। गिव मी द कैमरा क्विक ओ क्विक, हिज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवीड क्लिक, तो मुझे कैमरा दो, जल्दी कैमरा दो, ऐसा वो बोलने लगा और डकवीड से बाहर निकालने लगा। खुशी के मारे वो बहुत ज़्यादा डांस करने लगा और जल्दी से उसको फ़ोटो खींचने के लिए, क्लिक करने के लिए बोला, जल्दी से मुझे कैमरा दो, और कि डकवीड वहाँ पर बाहर रेंग रहा है। देन द गार्डनर सडनली स्लैप्ड हिज नी, तब क्या हुआ, अचानक से जो माली था, गार्डनर था, उसने अपने घुटने पर थप्पड़ मारा। एंड डबल्ड अप शेकिंग स्लाइटली, और थोड़ा कांपते हुए वो दुगना हो गया। एंड द डक्स ऑल क्वैक्ड एज इफ दे वर डेफ्ट, और बत्तखों ने भी उसके जैसे ऐसे ही थपथपाया और मानो कि वे एकदम धूर्त हो। एंड इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ड्रैक लाफ्ड, और वो इस तरह से लग रहा था, इस तरह से सुनाई दे रहा था जैसे कि कोई पुराना ड्रैक जो है वो हंस रहा हो। ओ देयर वाजंट ए थिंग डिडंट रिस्पॉन्ड, और यहाँ पर भी जब डैडी तालाब में गिरे तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, रिस्पॉन्ड मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो इस तरह से यहाँ पर बताया है कि किस तरह से जब उसके पिताजी किसी तालाब में गिरे तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये है बच्चों इस पोयम को, पोएट अल्फ्रेड न्यास ने लिखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।